हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन, जो कि फोर्थ सेमेस्टर कोर 10 में पहले चैप्टर है। तो ये ग्लोबलाइजेशन आखिरकार होता क्या है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है पूरे जगत की एकत्रीकरण। तो जगत की एकत्रीकरण मीन्स पूरा वर्ल्ड जो है उसमें जो जो कंट्री है सबको एक साथ लाना। तो पहले ये हुआ इकोनॉमिक लिंक के साथ, पहले सबकी इकोनॉमी जुड़ी, मतलब हमारे लोग उधर गए, उनके लोग हमारे यहाँ आए। तो इसमें क्या हुआ कि रिलेशनशिप डेवलप हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि कल्चरल लिंक हो गया, फिर पॉलिटिकल लिंक। तो ऐसे सब इंटरलिंक होके पूरा जगत एक हो गया, तो इसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो अगर हम हिस्ट्री में जाए तो इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश राज फॉर 200 ईयर्स एंड इट ऑल स्टार्टेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश कंपनी नेम्ड एज ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो आई थी इधर ट्रेड करने, बट उसका इरादा ही कुछ और था, तो उन्होंने हमारे इंडिया को कॉलोनी बना लिया। तो देयरफॉर आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया मेड स्ट्रिक्ट रूल्स अगेंस्ट फॉरेन कंपनीज। तो वो लोग आए थे ट्रेड करने, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, हमें रूल करना चालू कर दिया, जो कि गलत बात होती है। तो इसी का डर इंडिया में बैठ गया था, जिसी के लिए इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए रखे थे ट्रेन कंपनीज के लिए। तो इसी के लिए इंडिया के साथ बाकी देशों के कंपनी में और ट्रेड रिलेशन बहुत ही नीचे था, बहुत ही पीछे था। बट आफ्टर सम डिकेड्स ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया फेस वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, शॉर्टेज ऑफ फूड, लैक ऑफ टेक्नोलॉजीज एक्सेट्रा। बट क्या हुआ कि धीरे धीरे कुछ दशक के बाद हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दिखाई दी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश चले गए थे हमारे सारा धन लेकर, तो हम इकोनॉमी में भी बहुत ही वीक थे और टेक्नोलॉजी भी नहीं था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इंडस्ट्रीज नहीं थे, तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई दी, शॉर्टेज ऑफ फूड। तो ये सारी प्रॉब्लम जब दिखाई दी, सो अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ श्री नरसिम्हा राव एट दैट मोमेंट फाइनेंस ऑफ इंडिया वॉज कंट्रोल्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, दे इंट्रोड्यूस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे श्री नरसिम्हा राव एंड फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में LPG को ऐड किया गया, L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो ये ग्लोबलाइजेशन, जैसे मैंने बोला, पूरे जगत को एकत्रीकरण होता है। इट्स अ ग्लोबल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस ऑन द लास्ट डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी। इट्स पर्पस इज टू मेक द होल वर्ल्ड वन एंड टू सॉल्व द ग्लोबल प्रॉब्लम्स। तो इसका पर्पस था पूरे वर्ल्ड को एक करना एवं जो भी सब प्रॉब्लम्स है हमारे वर्ल्ड में अभी, उन सभी को सॉल्व करना। फादर ऑफ ग्लोबलाइजेशन रोनाल्ड रॉबर्टसन। It refers to the worldwide phenomenon of technological, economical, political, and cultural exchange brought by modern communication, transportation, and infrastructure. तो पूरे वर्ल्ड में टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल कल्चरल एक्सचेंज को, जो कि आधुनिक युग के साथ आया, उसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। न्यू इकोनॉमी आइडिया एंड कल्चर ऑफ वन कंट्री आर इंटरलिंक्ड विद अदर कंट्रीज। तो एक कंट्री का इकोनॉमी आइडिया एंड कल्चर अभी सभी कंट्रियों के साथ जुड़ा हुआ है। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन? नंबर वन, नो ट्रेड बैरियर्स, फ्री ट्रेड। तो जो देश देश के बीच में जो ट्रेड है, जो कारोबार चल रहा है, उसमें कोई भी बैरियर्स यानी कोई भी बाधा विघ्न नहीं है, सब फ्री है आजकल। कोई भी इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई हेजिटेट करे कि नहीं हमें ये ट्रेड नहीं करना क्योंकि इसमें बहुत सारे झोल है, ऐसा नहीं है। बहुत ही फ्री है, कोई अगर चाहे तो आराम से वो ट्रेड कर सकता है दूसरी कंट्री के साथ। फ्री इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो अगर एक कंट्री में कुछ दूसरी कंट्री को भेजना होता है, वो फूड हो चाहे जो भी हो, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो अगर हमारा वो चीज़ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, हमारे देश के लिए सफिशेंट है और कुछ मतलब एक्स्ट्रा बच जा रहा है, तो हम उसे दूसरी कंट्री में भेज देते हैं, तो उसी को बोला जाता है एक्सपोर्ट। और इंपोर्ट जो दूसरी कंट्री से एक कंट्री में आता है, दैट इज इंपोर्ट। सो फ्री इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। लिबरलाइजेशन टू एंटरप्रेन्योर्स। सो इसमें क्या होता है कि मोर फ्रीडम दिया जाता है इंडिविजुअल को, सो दैट कि वो अपनी हाई पोटेंशियल में पहुँच सके। नेक्स्ट, इंक्रीज कोलाबोरेशन अमंग नेशंस। कंट्रीज के बीच में ट्रेड रिलेशन
इंक्रीज हो रहे हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थनीतिक संस्कार, नए नए सुधार सब लाए जा रहे हैं। नो बैरियर्स इन मूवमेंट ऑफ पीपल, पहले क्या होता था कि बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते थे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए, पर अब इतने सारे रिस्ट्रिक्शन नहीं है सेफ्टी के लिए जो भी है, सो बैरियर्स नहीं है मूवमेंट के लिए। मार्केट इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी, सो मार्केट इकोनॉमी मीन्स पूरा ग्लोबल एक ही मार्केट बन गया है और सभी के बीच में इकोनॉमिकली रिलेशन डेवलप हो रहे हैं। मोर फ्रीडम टू इंडिविजुअल अनलिमिटेशन इन स्टेट पावर, ये दोनों अलग पॉइंट है लेकिन दोनों जुड़े हुए हैं। सो स्टेट की पावर को लिमिट कर दिया जाता है सो दैट कि वो इंडिविजुअल के काम पे इंटरफेयर ना कर सके। सो इंडिविजुअल को ज़्यादातर फ्रीडम दिया जाता है कि वो अपने हाई पोटेंशियल में पहुँच सके। नेक्स्ट, इंटरकनेक्शंस ऑफ डिफरेंट नेशंस कल्चरली एंड पॉलिटिकली, नेशंस के बीच में कल्चरली एंड पॉलिटिकली रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं। नेक्स्ट, मेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, नंबर वन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट की इंक्रीज हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ लोगों को मिल रही हैं। मोर ऑप्शंस फॉर कंज्यूमर्स, तो पहले क्या होता था कि जब हम कोई भी चीज़ खरीदते थे तो इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलती थी, पर अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अब हम जब मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं तो बहुत सारे हमको ऑप्शंस मिलते हैं, फॉर एग्जांपल वीवो, ओप्पो, रियलमी, एमआई, सो हम जो भी चाहें उसमें से ख़रीद सकते हैं। सो मोर ऑप्शंस फॉर कंज्यूमर्स। थर्ड पॉइंट, बेस्ट प्रोडक्ट इन लो प्राइस, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि कंपटीशन होता है, सो फॉर दैट लो प्राइस में हमें अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। रिडक्शन ऑफ एनिमिटी अमंग नेशंस, तो इंटरडिपेंडेंस बढ़ जाते हैं जब नेशंस के बीच में, तो उनके बीच में जो एनिमिटी होता है वो रिड्यूस हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड, तो कोलैबोरेशन के साथ साथ क्या होता है कि वर्ल्ड की डेवलपमेंट होती है, जो इश्यूज है वो सॉल्व होते हैं, तो ज़्यादातर विकास होता है हमारे विश्व का। प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि नेशंस के बीच में इंटरडिपेंडेंस बढ़ जाते हैं, सो फॉर दैट पीस होता है कि कोई किसी के साथ इतना झगड़ा वगड़ा नहीं करते, सब पीस में मैटर सॉल्व हो जाता है, क्योंकि एक कंट्री दूसरों के ऊपर निर्भर करता है फॉर दैट। सेवेंथ पॉइंट, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सो ऐसा होता है कि जो पोअर कंट्रीज है उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं पर उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती, सो जो डेवलप कंट्री हैं वो अपने टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और पोअर कंट्रीज़ की रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करते हैं, तो वही होता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नंबर एट पॉइंट, फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रेड फ्री हो गया सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो गई। डेवलपमेंट ऑफ पोअर कंट्रीज, सो जो ट्रेड रिलेशंस बढ़ गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाकर नौकरियाँ कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जो पोअर कंट्रीज़ हैं वो धीरे धीरे डेवलप कर रही हैं। मोर फ्रीडम टू इंडिविजुअल फॉर डेवलपमेंट, ये मैंने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, सो पहले क्या होते थे कि इतने इंडस्ट्रीज नहीं होते थे, जस्ट फॉर ग्लोबलाइजेशन अभी इंडस्ट्री की जो नंबर से वो बहुत ही बढ़ गई है, सो फॉर दैट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी बढ़ गया है। ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना कितना जल्दी फैल गया, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि लोग बहुत इधर उधर हुए, ट्रेड रिलेशंस चल रहा है, सो फॉर दैट कोरोना बहुत ही जल्दी फैल गया। एक डीमेरिट पॉइंट है, लेस पावर टू स्टेट, सो पहले ही बताया हुआ है कि इसमें स्टेट की पावर को लिमिट किया जाता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं होती। नेग्लेक्ट टू सोशल वेलफेयर, जो सोशल वेलफेयर मीन समाज कल्याण के लिए जो काम किया जाता है तो उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल अपनी डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा सोचता है। डोमिनेशन ऑफ पावरफुल कंट्री ओवर पोअर कंट्री, सो इसमें क्या होता है कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर डोमिनेंट हो जाती है, मतलब उनके ऊपर उनका उतना प्रभाव नहीं रहता जितना डेवलप्ड कंट्री का रहता है। नेक्स्ट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, सो इसमें क्या होता है जो इंडस्ट्री के ओनर हैं वो अपनी ही प्रॉफिट के बारे में सोचता है, तो लेबर का इतना भी प्रॉफिट नहीं होता, दैट्स वाई एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। इन्फ्लुएंस ऑफ एमएनसीज ऑन स्टेट्स डिसीजन, ज़्यादातर क्या होता है कि जो एमएनसीज है वो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है, तो उनकी जो ओनर है वो फाइनेंस करती हैं गवर्नमेंट को, सो गवर्नमेंट की डिसीजन में एमएनसीज का
इन्फ्लुएंस रहता है, थोड़ा प्रभाव रहता है। लैक ऑफ लोकल एम्प्लॉयमेंट, सो लोकल प्रोडक्ट को एंड लोकल एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादातर कमियाँ रह जाती है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। डिस्ट्रक्शन ऑफ लोकल कल्चर, नो अटेंशन टू लोकल प्रोडक्ट्स, लोकल प्रोडक्ट्स को भी इतना अटेंशन नहीं दिया जाता। सो पॉलिटिकल क्या होता है, इट फोकस ऑन पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ कंट्रीज एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सो इसमें जो कंट्रीज है उनके पॉलिटिकल एस्पेक्ट में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इट फोकस ऑन कल्चर ऑफ कंट्रीज एंड चेंजिंग कल्चर ऑफ कंट्रीज। कैसे एक कंट्री की कल्चर और एक कंट्री के कल्चर को इन्फ्लुएंस करता है, वही इसमें फोकस किया जाता है। थर्ड पॉइंट, इट फोकस ऑन द कनेक्शन ऑफ इकोनॉमी ऑफ वन कंट्री विद अदर्स। Then hyper-globalist, it considers globalization as the most important fact which bring development and prosperity to the world. So, इस perspective में globalization को एक अच्छा fact बताया गया है, जो कि world में बहुत सारे विकास लेके आया है. Next, skeptical, it considers globalization as a way of creating poverty and problems in society. इसमें यह है एक negative point, जिसमें कि globalization को बहुत ही बुरा बताया गया है, जो कि गरीबी लाता है और समाज में प्रॉब्लम्स लाता है। थर्ड पॉइंट, सॉरी सिक्स्थ पॉइंट, ट्रांसफॉर्मेशनलिज्म इज अ मॉडरेट व्यू इन टेक्नोलॉजी इंपोर्टेंस ऑफ बोथ स्टेट एंड ग्लोबलाइजेशन। ये स्टेट को भी पावर देना चाहता है एंड इंडिविजुअल आल्सो। सो थैंक यू। अगर कोई भी डाउट है सो यू कैन आस्क मी।